दिन वांगू रोशन रातां किड़ा साफ किरदार नबी मियां आबद तेरा रब राखा तू करे तुबार नबी सारे जग विच चमका मारदा है हर हर लश्कार नबी ते उस दिल नू चीर के सुट देंगे जिद विच नहीं प्यार नबी दा लफ्ज़ औरत दे चार हरूफ ने ऐन वाव रा और ता ऐन तो मुराद औरत की इज्जत बल्कि औरत का दूसरा नाम ही इज्जत है वाव तो मुराद औरत का वकार जिस माशरी के अंदर औरत बावकार होए वो माशरा भी बावकार हो। नंबर तीन रात तो मुराद रिश्तेदारी जदों भी दो खानदान जुड़ते ने रिश्तेदारी के जरिए जुड़ते ने और रिश्तेदारी की बुनियाद हमेशा औरत नाल होती। नंबर चार ता तो मुराद तरबियत किसी एक औरत की तरबियत हो जाए तो उस औरत तो अगे पूरी नस्ल की तरबियत हो जाती। कुरान करीम अंदर अल्लाह पाक ने कोई भी सूरत मर्दा के नाम की नाजर नहीं की थी जबकि औरतों के नाम से बाकायदा एक सूरत का नजूल फरमाया और जिमें लफ्ज़ औरत हरूफ चार ने इवें उस सूरत का नंबर भी चार है और सूरत का नाम सूरह अन्निसा है। लफ्ज़ अन्निसा कुरान करीम अंदर 25 मरतबा और लफ्ज़ रिजाल तकरीबन 7 मरतबा है जिथों तुसी अंदाजा कर सकते हो कि इस्लाम ने औरत नूं कितनी रिस्पैक्ट दिती। दौरे हाजर के अंदर अगर कोई औरत या मर्द कह कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी दो गल्लां जरूर या तो बंदा जाहल है या वो बंदा दीन तो मुतनफर और मुनहरिफ अकलमंद सियाणा समझदार बंदा ये कह ही नहीं सकता। ज़ियाउल हक के दौर अंदर पार्लियामेंट के अंदर खवातीन ने एहतजाज किया कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिन्हें सानू इज्जत नहीं दी। माँ बंदा पूछा गया जी दलील की है तो औरत ऐसी दलील दी कि दलील सुन के तुम भी हैरान हो जाओ। दलील दी कि इस्लाम कहता है शरीयत का कानून यह है कि मर्द दीदीयत 100 ऊंट है और औरत की दीयत 50 ऊंट है। अगर मर्द कतल हो जाए दीयत 100 ऊंट है औरत कतल हो जाए तो दीयत 50 ऊंट है। उन्हें आख्या सरासर गैर इंसाफी मर्द का खून एडा कीमती है 100 साडा खून कीमती कोई नहीं। एक ऐसी गल सी कि जिस गल ने पूरे पार्लियामेंट अंदर सत्ता तारी कर किसी को जवाब ही नहीं। लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट अंदर एक मर्द कलंदर मौजूद सी मेरे उस्ताद मोहतरम सितारा इम्तियाज साबिका MNA मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुईनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह माइक ते आए और फरमान लगे इहदा जवाब मैं अर्ज करांगा
और ऐसा जवाब देंगा कि क्यामत तक कोई बीबी दोबारा दलील नहीं देगी। फरमान लगे मर्द की धीए तो 100 ऊंट, औरत की धीए तो 50 ऊंट। फरमाया मिसाल के तौर पर अगर मैं कतल हो जावा तो मेरी दियत मिलेगी मेरी बीवी ने, अगर मेरी बीवी कतल हो जाए उसकी दियत मिलेगी मैनू। हुण इस कानून के मुताबिक वेखो हाँ, मेरे कतल होने तो बाद मेरी दियत के 100 ऊंट मिले औरत मेरी बीवी नू, ते बीवी के कतल होने तो बाद उसकी दियत के 50 ऊंट मिले मैनू। ये 100 ऊंट तो बीबी नू लभे ने, मर्द नू तो लभे ही नहीं। एक ऐसा जवाब सी कि जिन्हें औरतां चुप हो गई। तो बात यह है कि इस्लाम ने कभी भी गैर इंसाफी नहीं की, किसी को समझ ना आए तो वह वक्री गल। हुण वेखो ना लफ्ज़ औरत दे जिवें हरूफ 4 ने, इवें औरत दे रूप भी 4 ने। औरत बेटी है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत माँ है। इवें 4 रूपां के अंदर 4 मुहाफ़ज़ ने। बेटी है मुहाफ़ज़ बाप है, बहन है मुहाफ़ज़ भाई है, बीवी है मुहाफ़ज़ खामद है, माँ है मुहाफ़ज़ बेटा है। और चारे दे चारे रूप औरत दे जन्नत ने। बीवी भी जन्नत है, बेटी भी जन्नत है, बहन भी जन्नत है, माँ दे पैरां थले जन्नत है, सारे रूप जन्नत। सारे बयान करन दा वक्त नहीं, मैं औरत दा एक रूप या शायद 2 रूप बयान कर सकां। अल्लाह पाक दी बारगाह अंदर दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू कुछ ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नादर होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया लिल्लाहि मुल्कु समावाती वल अर्ज, अल्लाह वास्ते है जमीन आसमान दी मिल्क, अल्लाह वास्ते है जमीन आसमान दी बादशाहत, जमीना दा मालिक भी अल्लाह, आसमाना दा मालिक भी अल्लाह, मशरिक दा मालिक भी अल्लाह, मगरिब दा मालिक भी अल्लाह, शमाल दा मालिक भी अल्लाह, जनूब दा मालिक भी अल्लाह, अर्शो फर्श दा मालिक भी अल्लाह। अल्लाह जो चाहे आसमान अंदर पैदा कर दे, जो चाहे जमीन अंदर पैदा कर दे, जो चाहे माँ दे बतन अंदर पैदा कर दे, चाहे ते बेटा पैदा कर दे, चाहे ते बेटी पैदा कर दे, चाहे ते बेटे ते बेटियां मिला के पैदा कर दे। और अगर मर्जी बन जाए संगे मर मर दियां करोड़ा दियां बड़ियां कोठियां बेटियां रहन देवे, मर्दियां वाला रब ना देना चाहे कोई बली बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे मौला अली बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे सहाबी बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे वहाबी बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे बरेलवी देवबंदी शिया बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे कोई पैगंबर इमाम बुजुर्ग नबी बेटा नहीं दे सकता, रब ना देना चाहे बंदा कब्रां ते जाके आखे लैला कुकड़ दे दे पुत्र, पुत्र नहीं लभदा, रब ना देना चाहे बंदा अपनी बेगम नू नौराता जाके कब्र ते कटावे, पुत्र नहीं लभ सकदा, रब ना देना चाहे बेरी थले अपनी बेगम दी चुनरी बिछा के बेर दे गिरम दा इंतजार करे, पुत्र नहीं लभ सकदा, रब ना देना चाहे
ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਖਾਏ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੇ ਮੋਤਰਨ ਔਲਾਦ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਲਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਵੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੋਗਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਯਾਦ ਆਏ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕੋ ਅਗਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਵੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ 28 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 18-19 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਾਦਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਣਾ, ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਤਵੀਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਬਾਪਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਣਾ ਆ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤਿਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰੀਏ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾ ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਾ ਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਰਹੀਮੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮੇ, ਅੱਲਾ ਰਹੀਮੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮੇ, ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ, ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੀ, ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ, ਬਰਮ ਵਾਲੀ, ਹਯਾ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਰਹੀਮੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੀਮੇ, ਰੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤਿਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ
हाजत रबाए मुश्किल कुशाए हाजत रबाए रोग कारण सदात बेखिने को रंग लग जानगे। अल्लाह अकबर अल्लाह फरमाया अल्लाह पाक ने पहला मसला तो यह समझाया शहर विचों कि औलाद देने वाला कौन है अल्लाह औलाद देने वाला ते दूसरा मसला की साबत होया यहाँ बोले मैया शाह हुई ना सा अल्लाह जिन्हों चाहे बेटियां दे देवे जिन्हों चाहे बेटे दे देवे हजरत अल्लाह इब्ने कय्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते ने अल्लाह पाक ने सायत अफदर पहले जिक्र बेटियां दा कीता फिर जिक्र बेटियां दा कीता जमाना ही जाहिलियत दे अंदर लोग बेटियां नु मुअख्खर करया करदे सन अल्लाह पाक ने बेटियां नु मुकद्दम कर दिता जमाना ही जाहिलियत दे अंदर लोग तियां नु जहमत समझिया करदे सन अल्लाह पाक ने तियां नु रहमत बना छड़िया है। अल्लाह ना दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा ये सूरह शूरा पढ़ी है अब सूरह अल कहफ लगाऊं पढ़ने अल्लाह फरमाते ने अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयाती दुनिया वल बाकियातु सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला। हजरत कर्तबी फरमाते ने इस दुनिया की जीनत बेटे ने दुनिया की खूबसूरती बेटे ने दुनिया की जीनत बेटे ने आखरत की जीनत बेटिया ने बेटे दुनिया के काम आते ने बेटियां अगले जहान काम आदिया ने अगले जहान किमें काम आदिया ने नबी करीम ने फरमाया मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद गज के नबी पाक का नाम है सारे बोलो जनाबे मुहम्मद सदा शर्माया ना कर घबराया ना कर मेरे नबी ते दूर उबर लगे आओ मेरे नबी का नाम सोना मेरे पैगंबर का शान सोना मेरे पैगंबर का मुकाम सोना मेरे पैगंबर का काम सोना मेरे पैगंबर की अजमत आला मेरे पैगंबर का मुकाम आला मेरे पैगंबर का शान आला मेरे पैगंबर की रिफत आला मेरे पैगंबर की बुलंदियाँ आला मेरे पैगंबर का चर्चा आला मेरे पैगंबर का आना आला मेरे पैगंबर का जाना आला मेरे नबी का रोना आला मुस्कुराना आला फजरा आला दुपहर आला मगरब आला इशा आला तहज्जुद आला नवाफिला फर्ज आला खलवत आला ज़ाहिर आला बातिन आला कसम पैदा करने वाले परवरदिगार दी कायनात के वली पीर पैगंबर अब्दाल सारे सदर बदर जदर जिन्हें भी सारे थले वजीर थले रहबर थले लीडर थले मुर्शिद थले और पीर थले नबी थले पैगंबर थले अली थले और जनाब वहाबी थले बरेलवी थले देवबंदी थले सत्य जमीना थले सत्य आसमान थले सत्य जमीना दी मखलूका थले सत्य आसमान दी मखलूका थले रब तो बात कर सब तो कोई ऊंचा खड़ा है दिया मीना ददुदे यतीम खड़ा है अपने नबी की गल का बयान करा मेरे नबी ने फरमाया मेरे नबी ने होंठ खोले मेरे नबी ने होंठ खोले ते मोती रोले अल्लाह अल्लाह मैं मोहब्बत दा तराना पढ़ना चाहना वा और मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल मेरे मदनी दे मिठे मिठे बोल ओदे दे कन्ना विच रस नू है बोल दे दे कन्ना विच रस नू है बोल आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है सुन लो सुन लो आका दियां कदमां ते चलना जरूरी है मन या ना मन मेरी ये हो मजबूरी है मन या ना मन मेरी ये हो मजबूरी है मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मैनू उम्मती दे दर ते ना रोल मेरे बदनी दे मिठे मिठे बोल अल्लाह अल्लाह अल्लाह
नबी पाक अलैहि सल्लतु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने जिन्हों अल्लाह दो बेटियां अता करदा है अपनी बेटियां दी तरबियत करदा है, अपनी बेटियां दी देखभाल करदा है, अपनी बेटियां नूं तालीम सिखांदा है, अपनी बेटियां नूं तरबियत सिखांदा है, फिर चंगा घर वेख के दीन वाला निकाह कर दिंदा है। मेरे नबी ने दो उंगलियां जी करके फरमाया, फरमाया कयामत वाले दिन मेरे इन्ना नेड़े होएगा जितनियां दो उंगलियां को दूसरे दे नेड़े ने, जिवें इन्हां दो उंगलियां दे दरमियान अंदर कुछ नहीं, इवें कयामत वाले दिन उहदे ते मेरे दरमियान अंदर कुछ नहीं होएगा। इन्ना मेरा कुरब पाएगा वो बंदा जिहड़ा अपनियां बेटियां दी तरबियत करदा है। अल्लाह ला दो बेटियां पालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया, होया साथ नसीब नबी दा बड़े आला रुतबे पा गया। बेटी खुशबू भरिया फुल लोगो टेमी बाजार ना मुल लोगो, हीरा मोती के अनमुल लोगो, ताहिर मुकदी गल मुका गया। दो बेटियां बालियां जिसने ओनू पाक नबी फरमा गया। अल्लाहु अकबर दा तीसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा सूरा अन्नहल लगा हूं पढ़ने, अल्लाह फरमाते ने वाइदा बुशिरा अहदुहुम बिलुनसा जल्ला वजूहुम मुसवदा वहुवा कज़ीब। ज़माना जाहिलियत दे अंदर जदों किसी बाप नूं खबर मिलदी अल्लाह ने बेटी अता कीती है, ज़ल्ला वजूहुम मुसवदा चेहरे दा रंग बदल जांदा, चेहरे दा रंग फक हो जांदा, चेहरे दा रंग जरद हो जांदा, वाहुआ कदीम गुस्से नाल बिफरिया फिरदा है। जड़ा वाले दे बासियां मैनूं तेज लगदा है, कुरान पाक दी आयत दा तर्जमा सामने रखीए, मियां वाली दा वाकया सामने रखीए, ते मैनूं लगदा है कुरान पाक दा खिताब सफाक बाप बन जांदा है। फरमाया भाई दा बुशिरा का दो बेनुरसा उस जालम बाप नु जदों पता लगा अल्लाह ने धी अता कर दित्ती है, सन्ना वजूहुम मुसवदा चेहरे दा रंग बदल गया है, चेहरे दा रंग फक हो गया है, चेहरे दा रंग जिहड़ा उह सर्द हो गया है, मुंह ते 12 बत्ती वज गया ने, सन्ना वजूहुम मुसवदा बहुआ कदीम है, गुस्से विच फिरिया फिरदा ते परेशान फिरदा है, ना पिस्तल अंदर गोलियां पा के तैयार फिरदा है। बचाए जालिमा कोई पिस्तल च गोलियां पावे अपने दुश्मन नूं मारन वास्ते, कोई पिस्तल च गोलियां पावे इस्लाम दे दुश्मन वास्ते, कोई पिस्तल च गोलियां पावे मुल्क दे दुश्मन वास्ते। ओ तू किड्डा बदबخت है, तू पिस्तल च गोलियां पाईयां ने ते अपनी मासूम बेटी वास्ते पाईयां ने। बेटी भी ओ बेटी के जिहड़ी बेचारी बोल नहीं सकती, बेटी भी ओ बेटी जिहड़ी जनाब गल नहीं कर सकती, बेटी भी ओ बेटी जिहड़ी नहीं नवेली मेहमान है दुनिया ते 7 दिनां दी है, 7 दिनां तों बाद जदों मौका लगी है इन्हें जनाब 5 गोलियां अपनी उस बेटी के सीने विच उतार दित्तियां ने। लोगों के दिल सख्त किटे हो गए ने, इंसानियत का जनाजा निकलता जाता है, खून सफेद होते जाते हैं, रिश्ते खोखले होते जाते हैं, लोग मुहब्बत फीकियां पैदियां जाती ने। अजे मियां वाली वाला दाग बीचेंगे, एक कराची अंदर बदबख्त सफाक बाप उठा है, उन्हें अपनी बेटी की धौनी ला दी है, अपनी बेटी की गर्दन तंग तो जुदा कर दी है। हज़रत मोहतरम अल्लाह को दुआ करो ना, अल्लाह साढ़े दिल दियाँ सख्तियाँ दूर कर देवे, अल्लाह दिल नरम कर देवे, अल्लाह दिलों विच रहम पैदा कर देवे, अल्लाह इंसानों में इंसानियत दे देवे, अल्लाह इंसानों को हैवान बचण तो बचा लवे। हज़रत दीवकार ये ते दो चार बाप ने जिन्हें अपनिया बेटियां ते जुल्म कीते ज़्यादतियां कीतियां ने, इहदा ये मतलब नहीं इस्लाम बेटी ते जुल्म करदा, इहदा ये माना नहीं इस्लाम बेटी नूं चंगा नहीं समझदा, इस्लाम ते बेटी दी इज्जत ते जन्नत दिंदा है, इस्लाम ते बेटी दी तरबियत ते जन्नत दिंदा है। की होया जे अज लोग सफाक हो गए ने, की होया जे अज लोगों विचों इंसानियत मुक गई है, की होया जे अज लोगों दे दिल सख्त हो गए ने। हज़रत दीवकार
दिलां दी सख्ती दा आलम ते बन चुकिया ऐ पत्तों की दे अंदर अपने बच्चियां दी दाल रोटी कमान बेचारा मैरिज हाल दे दरवाजे दे सामने पहुंचया मार दिता की है मैयत पई है डेड बॉडी फरिश्ते पईए लोग मुर्गे पे उड़ांदे ने ओ डेड बॉडी फरिश्ते पईए लोग चंगे पे उड़ांदे ने इंसानियत दा जनादा तेज निकलिया पिया लोगों विचों रहम तेज उग गया है लोगों नु चम चंगा नहीं लगता कम चंगा लगता है कम होवे ते चम दी कदर कम कोई नहीं ते चम दी कदर कोई नहीं अल्लाहू अकबर अल्लाह अल्लाह वाला किड़ी प्यारी गल करदा है अल्लाह अल्लाह कम होवे ते नूर मोहम्मद ओए कम होवे ते नूर मोहम्मद ना होवे ते नूरा ओए कम होवे ते नूर मोहम्मद ना होवे ते नूरा ओ कोई नहीं सज्जन यार ते वेली जद कम हो जावे पूरा तवज्जो करना दरा फरमाया चेहरे का रंग बदल गया है जालम दा और जनाब बिफरिया फिर दा और जनाब गुस्से लखा नाल की फिर दा बेटियां ते जुल्म करन वाले इत्थे करदे ने अगले जहान पाण गे और दुआ करो अल्लाह बेटियां नाल शफकत करन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह बेटियां दा कदर करन दी तौफीक अता फरमाए बेटी जिहड़ी है ये जन्नत है और औरत दा दूसरा रूप किहड़ा है दूसरा रूप है बहन वाला बहन भी जन्नत है नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आका फरमांदे ने लोगो मन आला उखतईने औ सलासा खबातिन फरमाया जिहड़ा बंदा अपनियां दो बेटियां दी कदर करदा अपनियां दो बहनां दी तरबीयत करदा है या अपनियां तीन बहनां दी ख्याल करदा है ना इह हो जांदा है ना घरां दे अंदर हवाद साते दमाना है रस्मे दुनिया है बाप फौत हो गया है पीछे जनाब बेटियां छड़ गया है अल्लाह तीन बेटियां छड़ गया चार छड़ गया है ते भरा अपनियां बहनां नूं बोझ नहीं समझदा भरा अपनियां बहनां ते जुल्म नहीं करदा भरा अपनियां बहनां नूं परेशान नहीं करदा अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने मेरे वालिदे मोहतरम अब्दुल्ला शहीद हो गए पीछे सत या छे बहना जनाब छोड़िया मेरिया मैं अपनिया बहनों का ख्याल करदा अपनिया बहनों की तरबीयत करता रहा अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मैं शादी कर लीए तो नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जाकर शादी कर ली हूँ जी महबूबा मैं शादी कर लीए आका फरमाते ने कुमारी लड़की नाल कीती हूँ या बेवा औरत नाल महबूबा मैं बेवा औरत नाल शादी कीती है नबी पाक फरमाते ने जाबर कुवारी लड़की नाल शादी कर लेंदा महबूबा हाँ मेरा भी ते दिल करदा सी लेकिन मैं कुवारी लड़की नाल शादी नहीं कीती इस वास्ते कि मैं अपने जज्बात की कुर्बानी अपनिया बहनों की खातर दे दीती है अगर कुवारी लड़की मेरे घर अंदर आती एक उम्र दियाँ मेरिया बहनों ते बीवी होंगी आपस अंदर उन्हें लड़दी ही रहना सी मैं अपनी खाशात की कुर्बानी दे के बेवा औरत नाल निकाह कीता है बेवा औरत मेरिया बहनों की तरबीयत कर दी है बेवा औरत मेरिया बहनों का भला कर दी है ना मैं अपनिया बहनों की खातर कुर्बानी दी है जड़ा बाटे ते बासिया किड्डा जीव बेटा है किड्डा जीव जनाब भरा है जिन्हें अपनिया भैनों की खातर कुर्बानी दी है बड़े थोड़े भरा ने बड़े थोड़े भरा ने जिन्हें अपनिया भैनों की खातर कुर्बानियां देंदे ने वरना ज्यादा तो भैन ही कुर्बानियां दीदिया ने नहीं मेरिए भैन और जड़ा वाले की दुकान मेरे ना ला के कुर्बानी दे दे नहीं मेरिए भैन और एक एकड़ जमीन मेरे ना ला के कुर्बानी दे दे इतने भरा नहीं इतने भैन ही कुर्बानियां दीदिया ने इतने भरा बैठे ने नमाजी इतने भरा बैठे ने हाजी इतने भरा बैठे ने पक्के भाभी लेकिन भैन के हक खाती बैठे भैन दमीन से कब्जे की बैठे याद भैन का हक खाता है
या भैन का बुआ छड़ी बैठा है। मैं आख्या खुदा दुकान मेरे ना ला दे, नहीं लाई तो मैं आख्या अज तो बाद मेरा तेरा जमण मरण खत्म है। 5 साल हो गए भैन के बुए नहीं जाता, 10 साल गुजर गया ने भैन के दरवाजे से नहीं जाता। उंज नमाज ही बड़ा है, उंज मुद भी बड़ा है, और की करना तेरिया नमाजा का जे तो गोले बाप का ख्याल न करे। अल्लाह 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 हम आदम दे मार के तू अल्लाह दे पैगंबर वापस आ रहे ने। रस्ते अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबा ने कबीले दे लोग गिरफ्तार कर लै। एक औरत कबीले वाले दी कहंदी है मैनू मुहम्मद नू मिला दियो, मैनू मुहम्मद नू मिला दियो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा सहाबा नबी करीम दी खिदमत अंदर हाजिर होए। महबूबा एक बीबी तुहाडा नां लैंदी है ते बार बार तुहानू मिलन दा तकादा कर दी है। फरमाया मिलाउना बीबी मेरे नबी दे सामने आई, मेरे नबी दे चेहरे ते नजर पा के ठाई मार के रोन लग पई। मेरे आका फरमांदे ने बीबी रोंदी कदो पई है, ए मेरे पीर मुहम्मद अज 55 सालां तो बाद मैं अपने वीर दा मुखड़ा देखे है। पीर मुहम्मद मैं तुहाडी भैण शीमा वा जिहड़ी तुहानू अपने आप दा ते झुक करके दुनिया दिंदी रही। या रब्बी अब किला ना मुहम्मद, या रब्बी अब किला ना मुहम्मद। मेरे नबी दी अखां चों सुभान लग पै, मेरे नबी भी रोन लग पै। ते मेरे नबी ने अपने कंधे तो कमली नूं उतारिया, उतार के बिछा के आख्या नी मेरी भैण इहदे ते बैठ जा। और वेखो भैणां दा कदर सिखणा है ते इधर सिख लो। मेरे नबी ने जे कदर कीता अपनी भैण दा, मैं कायनात दे तख्त ते कायनात दीआं कंधियां ते कायनात दे सोफे कबरकारी कमली तो कुर्बान कर देवां। मेरे आका फरमांदे ने मेरी भैणा ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਛੋੜ ਦਿਓ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਿਰਮ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ तो नफरत ना करो, ਭੈਣਾਂ कमजोर ਹੋਣ ਤੇ ਭੈਣਾਂ तो नफरत ना करो। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਤ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬਟੇਰੇ ਖਾਵੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਏ। ਐ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਣ ਵਾਲਾ ਏ ਨਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਨ ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਬਦੂਰੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਬਣਦੇ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਪੈ ਹੋਵਣ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਵਣ। ਓਏ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਸੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਓਏ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਬਦੂਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਯਤੀਮ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦਿਰਹਮ ਦਿਨਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਕਲਾ ਦੇਵੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ ਕਲਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰ ਕਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਜੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਅੱਲਾ 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 ਅਲ ਮਾਲੂ ਵਲ ਬਨੂਨਾ ਜ਼ੀਨਤੁਲ ਹਯਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਬਾਕੀਆਤ ਸਾਲਿਹਾਤ ਖੈਰੁਨ ਇੰਦਾ ਰੱਬਿਕਾ ਸਵਾਬਾ ਵਾ ਖੈਰੁਨ ਅਮਲਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਭੈਣ ਹੈ। ਭੈਣ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ
एक जरूरी ऐलान है मुनादरे इस्लाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी साहब हाफिज़ाहुल्लाह के खिताब से पहले।